पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कैसा काम किया, इस पूरे मामले की भी पड़ताल हम करेंगे। गांव की यात्रा पर द भारत टाइम्स की टीम निकल चुकी है और गांव के लोगों का मिजाज हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कैसा काम किया, इस पूरे मामले की भी पड़ताल हम करेंगे। गांव के मुद्दे क्या कुछ रहे, शौचालय से लेकर किसानों की समस्याएं, कीटनाशक से लेकर खेती और किसानों को होने वाली तमाम परेशानियों के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम सिखेड़ा रोड पर चल रहे हैं, यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है लगातार, क्योंकि अब आचार संहिता लग गई है, इसलिए गड्ढों को भरने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इधर मैं अगर अपने इस तरफ देखूँ तो इस तरफ खेत ही खेत दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ भी देखें तो दूसरी तरफ भी खेत ही खेत दिखाई देते हैं। पूरा ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर गाँव के लोगों के मिजाज को हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सिखेड़ा लगभग बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है और इस 1 किलोमीटर की दूरी में हम लोग सिखेड़ा गांव पहुंच जाएंगे और वहां के लोगों का मिजाज जानेंगे। इसके आगे की बात करें तो इसके आगे एक गांव है उल्देपुर, उस गांव को भी हम लोग कवर करेंगे, उस गांव के लोगों की भी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। 2019 की महाभारत में कौन जीतेगा, इसका जायज़ा लेने के लिए द भारत टाइम्स की टीम पहुँची है उल्देपुर गाँव में। उल्देपुर गाँव अपने आप में मशहूर गाँव है और इस वक्त मैं आपको दिखा दूँ, ये जो रास्ता जाता है ये मोदीपुरम के लिए जाता है और इधर ये रास्ता दौराला के लिए जाता है, और अगर इधर की बात करें तो ये वाला रास्ता उस बाईपास से जोड़ता है जो बिजनौर और हरिद्वार के लिए जाता है। इस वक्त पंचायत भवन उल्देपुर के पास मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं। रजपुरा के अंतर्गत ये गाँव आता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर विकास दिखाई दे रहा है, अगर इस पर देखें शिलापट को तो यहाँ पर फूल वूल भी लगाए गए हैं, एक बुज़ुर्ग यहाँ पर लेटे हैं और एक सरकारी नल भी यहाँ पर मौजूद है। इन बुजुर्ग से मैं बात करूँगा। जी चाचा, क्या नाम है आपका? महसिंह। हाँ जी महसिंह। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ 5 साल में? नहीं, 5 साल में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आपकी बार क्या होने वाला है? क्या पता क्या होना। अच्छा, आपके गांव में विकास हो रहा है? जो कुछ हो रहा है। अच्छा, तो क्या किसान आप हैं, खेती करते हैं आप? करते हैं। अच्छा, तो खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। तो बहुत सारे किसान हैं इस गांव में, इस उल्देपुर गांव में, हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? नाम दिनेश है सर। अच्छा दिनेश, एक बार बताइए, 2014 में मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, क्या आपको लगता है अच्छे दिन आए? अच्छे दिन आए, उन्होंने 5 साल में इतना करके दिखा दिया, जो कुछ नहीं हुआ, रोडें बना दी, अच्छे अच्छे काम करे और सब कुछ सस्ता हो गया, कर्जा माफी हो गया। अच्छा, एक युवा के तौर पर आप क्या देखते हैं, एक युवा के तौर पर क्या आप खुश हैं मोदी सरकार? हम मोदी सरकार से हम बहुत खुश हैं, इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने बहुत तरक्की करी है 5 साल में, जो 60 साल कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी वो मोदी सरकार ने कर दिखाया, और हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस साल मोदी जीतेंगे 2019 का चुनाव। चलिए मैं कुछ और बुजुर्गों से बात करता हूँ। चाचा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम है जी। सीताराम जी, पिछले 5 साल पहले आपको वादा दिखाया गया था अच्छे दिन लाने का वादा, अच्छे दिन आए आपके? काय का दिखाया था? सरकार जब आनी थी बीजेपी की तो मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, आपके अच्छे दिन आए? काय में आए, जो पैलसी आ रही थी वे भी बेकार गई, वे भी कट गई। तो सरकार ने बेवकूफ बनाया और क्या, भका में चल दिया अपना इलेक्शनों के मारो। विकास विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? यो जो और से मुझे मालूम नहीं, इतनी बात का जो बात है, मतलब आप परेशान हैं? चाचा आपका नाम क्या है? प्रेमराज। प्रेमराज जी, एक बताइए, 5 साल पहले अच्छे दिन लाने का वादा किया गया था, पूरा हुआ नहीं हुआ? अरे ना हो जा। अच्छा, अच्छे दिन नहीं आए आपके? मोदी सरकार ने काम नहीं किया? ना, कुछ नहीं कर रहा, मतलब धोखा दिया आपको? धोखा दिया। आप किस वजह से परेशान हैं आप? लालच दे दे, भका दे, फिर कुछ होता है नहीं, कहता रहा करता कुछ नहीं। हाँ, नेता बस वादे करके चले जाते हैं। आपके वक्त आपके सांसद आए थे यहाँ पर? आए थे, ना आए हमारे यहाँ, ना रहा कोई भी, बता दें सांसद पूछने नहीं आए आप लोगों का? ना, ना। तो हालात ये हैं कि सांसद वो पता भूल गए हैं जहाँ से जिस जनता का वो वोट लेकर गए थे। कुछ और युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करूँगा। मेरा
वोट देंगे मायावती को? मैं ही कह रहा हूँ, एक बार बताइए। हाँ, मायावती को आप वोट देंगे? मोदी ने कोई काम नहीं किया। मोदी मोदी का मैं क्या करना? अच्छे दिन नहीं लाए मोदी ना, मैंने चाहिए मोदी। ठीक है, लोगों की एक अपनी राय है, कोई मायावती को पसंद करता है, कोई अखिलेश यादव को पसंद करता है, कोई नरेंद्र मोदी को पसंद करता है और कोई राहुल गांधी को भी पसंद करता है। लेकिन असल मुद्दा यह है कि गांव की बात हो, विकास की बात हो, तो वो होना चाहिए। चाहे वो कोई भी नेता हो जो विकास की बात करके जाता हो, उसे विकास के लिए बहुत तरीके से तत्पर होना चाहिए। एक और बुजुर्ग है, आपका नाम क्या चाचा? मेरा नाम बुजुर्ग सिंह है जी। बुजुर्ग सिंह, एक बार बताइए, 5 साल पहले अच्छे दिन लाने का वादा किया गया था, क्या पूरा हुआ? पूरा कुछ नहीं हुआ जी, सब इन्हीं लोगों ने खा लिया। नाम इनका, नाम हमारा और काम इनका। अच्छा, एक बात बताइए, सांसद आए होंगे आपके पास वोट मांगने पहले, उसके बाद आए नहीं आए आपके पास? हमारे यहाँ कोई नहीं आया अब तक, ना सांसद आया ना MLA। अच्छा, किसान के नाते आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपको ठगा जा रहा है या फिर आप परेशान हैं या सरकार ने कुछ नहीं किया? सरकार तो कुछ करी ना रही, हमारे लिए तो गरीबों पर तो जितना अत्याचार कर रही इस सरकार के वजह से तो हो रहा। आप परेशान हैं? हाँ, परेशान हैं हम तो पूरे। बिल्कुल, जनता का मूड कहता है कि बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी सरकार से नाराज हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर मोदी सरकार से खुश भी दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं जिनसे मैं बात करूँगा। आपका नाम क्या भाई साहब? दिलशाद। दिलशाद भाई, एक बार बताइए, अच्छे दिन लाने का वादा किया था मोदी सरकार ने, अच्छे दिन आ गए आपके? नहीं आए। अच्छे दिन नहीं आए आपके, तो क्या क्या करने वाले हैं? बस जो ऊपर वाला चाहेगा वो होगा जी, बाकी मतलब अच्छे दिन जो लाने की बात कही गई थी, अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आए। विकास की बात करें, गरीब आदमी तो मर गया, मर गया। अच्छा, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए थे और कहा था कि बेरोजगारी नहीं सहेगी जनता, क्या हुआ उसका? वो तो बेकार हो गया और उससे भी रद्दी हो गया मामला, बेरोजगारी कर दिया। हाँ जी, तो बिल्कुल, आपका नाम क्या है? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, एक बार बताइए, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा था मोदी सरकार में, क्या पूरा हुआ? वो बेरोजगारी फिर रहे जो, तो फिर रेलम रहे हैं इतने, कांग्रेस के काम तो मिल रहे थे ना लोगों को करने के लिए, कॉलोनियों में कहीं कुछ भी ना मिल रहा। आप कुछ नहीं मिल रहा, एक युवा के तौर पर आप परेशान हैं मोदी सरकार? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बहुत बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का और मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो विकास करेगी, युवाओं को रोजगार देगी और रोजगार से वो देश का विकास कर पाएंगे। ऐसे में ये नाराज़गी मोदी सरकार को बहुत ही भारी पड़ सकती है। अच्छे ऐसा है, हम बता रहे हैं, जिसके पास 500 रुपए भी थे वे भी बैंक में जमा करवा लिए, लेने गए तो 8-8 दिन लो धक्के खा कर आ गए। आपको जरूरत तो पड़ी 5,000 रुपए की, 8 दिन में दे रहा 2,000 रुपए, नुका कैश खत्म हो गया। यानी ये नोटबंदी ने आपको परेशान किया? बस जब हिले हुए ठप कर दिए लोगों के, भुक्का मरने का ढंग हो रहा, रोजगार नहीं है, कहाँ है रोजगार बताओ? धोखा दिया मोदी। हाँ, सब जगह धोखा देता रहा, जिसकी पेंशन की उसकी पेंशन खत्म कर दी। सही बात है, एक बड़ा फायदा था पेंशन का और वो फायदा बस, तो अब बुड्ढा ठहरा क्या आग्रह किसी का, बस की मजदूरी करनी बुड्ढे ठहरे क्या है? हैं जी, क्या रोजी रोटी तुम दे दोगे हमें बुढ़ापे में? नहीं कहोगे थाली पड़ा खा रहा है यहाँ से? हमारे कहा अच्छे दिन भैया, अच्छे दिन। अच्छा, ठेला लगा के काम चला, अच्छे दिन नहीं आए। तो बहुत सारी पब्लिक का यही मानना है कि अच्छे दिन नहीं आए, अच्छे दिन का एक नारा दिया गया था और ये बात अमित शाह ने भी एक भाषण में कही थी कि वो तो एक जुमला था, तो शायद एक जुमले के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, ऐसा कुछ इन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बोल रही हैं। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? बिट्टू जाता हूँ। बताइए, अच्छे दिन आए नहीं आए? अच्छे दिन भैया कहाँ था, आगे बस आ रहे, यहाँ तो बुरे दिन चल रहे, जहाँ मजदूरी चल रही थी रोजगार आदमियों को इन्होंने बेरोजगार बनाते, तो अच्छे दिन का फायदा क्या? जो आदमी मजदूरी कर रहे होंगे मजदूरी बंद होगी, कुछ खर्चा भी नहीं चल रहा, अभी चाहे तो मीनों से पूछ रहा था उससे हमारे कि अच्छे दिन आए नहीं आए? अच्छे दिन होते तो आए, क्यों ठल्ला लगाते? अपने घर बैठे हुए होते, अपने घर खाते, जैसे अपने अपने घरों में बैठे हैं, उस चीज़ से क्या फायदा कि पब्लिक को लुभाषा दे रहे हैं कि हम यो देंगे वो देंगे, 2,000 रुपए खाते में डाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वादे पूरे करना बहुत बड़ी चीज़ है और अगर सरकारें वादे करती हैं तो उन्हें उन वादों को पूरा भी करना चाहिए। अगर वादे पूरे नहीं होते हैं तो जनता जवाब देना जानती है, जनता के पास उसका वोट है, उसकी कीमत है और उसके सहारे उन नेताओं को ऐसी चोट देती है कि नेता कहीं से कहीं पहुँच जाता है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, द भारत टाइम्स।
पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कैसा काम किया, इस पूरे मामले की भी पड़ताल हम करेंगे।